आज हम लोग बात करते हैं FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, सर्वर क्लाइंट एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, जो एक दूसरे से जुड़कर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इसका कार्य जो करता है, डेटा को ले जाने और लाने का कार्य जो करता है, वो हमारा प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही करता है। एक फाइल को ले जाने और लाने के काम इंटरनेट के सबसे पहले विकसित होने वाले एप्लीकेशन प्रोग्रामों में से यह एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह फाइल को ट्रांसफ़र करने में यूज हम लोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा एक यूजर क्लाइंट हो चाहे वो सर्वर हो, इन दोनों के बीच में इंटरफेस का भी काम करता है। और इसके बाद कुछ जो प्रोटोकॉल हैं, जैसे IP है, IP मैंने आप लोगों को लिखवाया है, IP है और TCP है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दो प्रकार के प्रोटोकॉल और भी हैं। IP को मैंने पहले समझा दिया है, IP एड्रेस, और जो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल जो डेटा को भेजने पर कंट्रोलिंग के काम करता है, इसे हम लोग TCP भी कहते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने टेलनेट को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। टेलनेट क्या होता है? इसे दूरवर्ती लॉगिन अथवा रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। ये यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड को जोड़ा गया है, ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड को जोड़ा गया है। पूरे संसार में एक यूजर है, वो अगर किसी भी विश्व के किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहता है, चाहे जो वो किसी भी कंट्री में हो या किसी भी शहर में हो, उसको वह लॉगिन करना चाहता है, उस पर वर्क करना चाहता है, डेटा सेंड करना चाहता है और अदर जो भी काम हो सकते हैं वह सब करना चाहता है, तो वह टेलनेट के द्वारा कर सकता, तो वह सभी काम कर सकता है। इसका प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, टीम एक व्यूमर सॉफ्टवेयर आता है, टीम व्यूमर आता है, इसके द्वारा एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लॉगिन कर सकता है। तो आप लोग इसे अगर यूज करना चाहते हैं टेलनेट को, तो टीम व्यूमर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कंप्यूटर और सेलफोन को एक दूसरे से लॉगिन कर सकते हैं IP एड्रेस के द्वारा।